गाइस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत ही ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट। अगर आप चाहते हो आंचल के साथ 24 आवर पंजाबी स्पीकिंग वाली वीडियो बनाए, आंचल पंजाबी बोलेगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरी पंजाबी बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 40,000 लाइक्स का। झूठ बोलता है मुझे। आते ही डिस्कशन पता है क्या हो रही है। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी सबसे पहले मैं उठ के ये बिस्तर समेटूंगी और अभी मैं बनाऊंगी काढ़ा, क्योंकि रात को मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। उसके साथ साथ ये जो कारण धावा जी यहाँ लिट्टे हुए हैं, ये भी काफ़ी खांसी कर रहा था। अभी सुबह उठ के वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा था। इधर मुझे आदित्य की भी नक सुनो हो रहा है ना, तो मैं कुछ ना बढ़िया सी रिएक्टिव ना देती हूँ और उसके अंदर शहद डाल के थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तू भी सो रहा है? मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि फिर मुझे ना 2 बजे से पहले वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाने जाना है। मुझे लगा तुझे वैक्सीन करवानी है। नहीं नहीं, वैक्सीन नहीं करानी। अच्छा, वैक्सीन की सेकंड डोज। ओह मुबारक आज तेरी वैक्सीन पूरी हो जाएगी। बुखार ना चढ़े क्योंकि मुझे पहली डोज में बुखार नहीं चढ़ा था, तो मुझे डर है कि मुझे आज बुखार ना चढ़ जाए। तो मतलब कल का दिन फ्री रखना अपना, तो आज लगाना। तो मेरा मन ना स्ट्रॉन्ग सा काढ़ा बनाने का था, परंतु घर पे अदरक नहीं। कल मार्केट भी गए थे, मुझे याद भी था कि अदरक लेके आना, पर जब खरीदने लगे सामान तो मेरे दिमाग से निकल गया कि अदरक भी लेना है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेड टी बना देती हूँ, तो उसके अंदर तुलसी भी है, दालचीनी भी है, तो थोड़ा सा तो काम हो जाएगा हमारा। ओंकार है इस टाइम पूरी पूरी नींद में, उसका चाय पीना तो मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं सोचू अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के खा लू। आदित्य अंडे ठीक बने थे? अंडे बनाए नहीं मैंने। अच्छा, एग्स बनाए नहीं? नहीं, नहीं नहीं यार, अंडे की क्रेट यहाँ पे मेरे को लग रहा है महीने से ऊपर हो गए पड़े। मैं तो नहीं खा रहा हूँ। नहीं खा रहा? खराब करते क्या पुराने अंडे? पता नहीं। मैं नहीं खा रहा। बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पुराने अंडे खा सकते नहीं खा सकते। पेट पूजा मैंने कर ली हुई है और यहाँ पे रुकने का मेन मकसद था कि आज मुझे बनानी है अपने चैनल के लिए वीडियो, एंड दैट वीडियो इज अबाउट बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी आफ्टर दिवाली। दिवाली में हमने बहुत ज्यादा गंदमंद खाया, अभी त्योहारों में हमने बहुत ज्यादा गंदमंद खाया, तो टाइम आ चुका है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। तो अभी मैं तैयार होकर फटाफट अपनी बनानी शुरू कर दूंगी वीडियो। मैंने अभी रियलाइज किया कि यहाँ पे गीजर नहीं है, तो नहाने का तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि मुझे लगती है ठंड। मैं बस मुंह हाथ धोके होने लगी हूँ तैयार। कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए पर यार मेरे बाल इतने ज्यादा ऑयली लग रहे हैं, तो वीडियो में बहुत ज्यादा गंदे लगेंगे। तो मैं क्या करने लगी हूँ, पूरे बाल तो मैं वॉश नहीं करूंगी। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं करती हूँ जुगाड़, मैं क्या करती हूँ पीछे से अपने बाल टाई कर लेती हूँ, और जो आगे आगे के गंदे बाल है लाइक मैंने डिवाइड कर लिए, सिर्फ इतने पार्ट मैं अभी सिंक में धो लूंगी और इसी पे मैं कंडीशनर लगा लूंगी। तो उससे क्या होगा, एक आगे से अच्छी लुक आ जाएगी और देखने में ऐसा लगेगा कि मेरे बाल धोए हुए हैं। देखा जुगाड़। जब तुम्हें लगता है ना कि मुक्ति नहाई है, नहीं नहाई होती है, ये दिखता है बस, सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। शट अप, वो तो गीजर लगा है इसलिए नहा रही, मतलब कभी कभी नहीं नहाती हूँ। गर्मी हो रही है, हाँ बाजू की टी शर्ट पहनी है मैंने। नहीं यार ठंड लगेगी मुझे, मेरे को ठंड लगेगी इतने। अरे नहीं पानी पता कितना ठंडा आएगा, इतनी ज्यादा वो है ना, सर्दियाँ शुरू होने से पहले गीजर ऑन हो जाता है हमारे घर में। हाँ यार ये तो है, सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मेरे बाल हो चुके हैं एकदम मस्त सिल्की और टाइम आ चुका है वीडियो बनाने का। अब मैं आपको मिलूंगी वीडियो बनाने के बाद। बाय। फाइनली जाके मुक्ति गौतम वाली वीडियो बन चुकी है एंड मुझे ना लिटरली बहुत ज़्यादा जोर से भूख लग रही है और मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो जाएगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओंकार धावा। तुमने कुछ खाया अभी? कुछ भी नहीं खाया, मोमोज खाए ना? झूठ बोलता है मुझे। मोमोज खाए ना? कुछ खाना खा लो यार, खिलाएगी तो। सुबह उठते ही मोमोज यार, कुछ ओंकार यार पहले तुम्हें भी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है। अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, अब आराम से मैं करूंगी खाने का काम। रात के राजमा चावल पड़े हुए हैं तो वो गर्म करके खा लेते हैं।
इधर ओंकार दावा जी आगे रसोई में मेरी हेल्प करने। मैं हेल्प करने नहीं आया हूँ एक्चुअली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुक्ति अकेले लगी हुई है किचन में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे खाना बनाने, मैंने सोचा इसको कॉफी बना के दे देते हैं। हेल्प ही बोलते हैं। और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे भी ऐसे कफ्स हो रखे हैं, खांसी हो रखी है, मुझे भी खांसी हो रखी है, कोल्ड कॉफी की जगह हॉट कॉफी बना दे। अगर हम बीमार हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं और बीमारी से डर गए हुए हैं। ओहो, जैसे होता है ना शीशे को शीशा काटता है, नहीं हीरे को हीरा काटता है, वैसे ये है मतलब बीमारी को यही चीज काटेगी। अब ओंकार बना ही रहे थे, पैसे तो पीनी तो पड़ेगी मेरे को। पिछली वो स्टारबक्स वाली वीडियो में बोला नहीं था जो भी फूडी वी पे डाली थी कि एक दूध की थैली से दो ग्लास कॉफी के बच जाते हैं। हाँ। तो आपके सामने हेयर इट इज। हाँ बस एक कमी लग रही है बर्फ की। अभी कह रही थी यहाँ तो चिल्ड हो एकदम, चलो पी लूंगी। अच्छी बात है तुमने डाली नहीं बर्फ, नहीं तो मैं तो डालना चाहता था। अच्छा हुआ तेरे करके रुका था। नहीं नहीं अच्छा क्या, नहीं डाली अच्छी भी नहीं है। तो खाना हमने खा लिया है और यार ये रोटी और चावल थोड़े से बच गए हैं, तो जो भी कुछ बचता है ना मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो डॉगी वोगी यहाँ पे बहुत सारे घूमते हैं गली में तो वो खा लेते हैं। दीदी आया हुआ है काम करने, तो झाड़ू पोछा तो एकदम मस्त लग चुका है। अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, बर्तन जैसे साफ होंगे मैं और ओंकार निकल जाएंगे घर को। वीडियो तो मैंने अपने चैनल के लिए बना लिया, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी भी पेंडिंग है, दैट इज वीडियो एडिटिंग। क्योंकि जब तक वीडियो एडिट नहीं होगी वीडियो डलेगी नहीं, कहीं ना कहीं एडिटर रखने का ना बहुत फायदा हुआ है। तो अब मैं अल्टीमेटली सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके दूंगी एडिटर को रास्ते में जाते हुए। प्रोग्राम हो चुका है चेंज। पहले हम प्लान कर रहे थे कि ओंकार और मैं निकलेंगे घर की, और परंतु अब आदित्य आ रहा है इधर बिकॉज हमें फूडी वी के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करनी है। तो मीनवाइल जब तक आदित्य आ रहा है हमने सोचा है कि क्यों ना हम वॉक को चले। तो नहीं मैंने सोचा है, मैंने बोला है कि लेट्स गो फॉर द वॉक, क्योंकि वैसे हम जिम जाने का भी सोचे थे परंतु मैंने देखा कि मेरी भी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, ओंकार की भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, कि ऐसा ना हो कि जिम जाके हम 4-5 दिन तक बेड पे लेटे रहे। देर से बोल रहे हो कार निकलो निकलो निकलो, एंड मोमेंट पे तुम्हें याद आया कि तुमने बर्फ लगानी है। नहीं एक्चुअली मैंने एक आधा काम किया, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि काम 2-3 और भी है तो मैं करने लग गया। मत करो यार जल्दी करो प्लीज। चलो 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 बस ये सब बाद में कर, चलिए हो गया चलो आज। हम सैर करने पार्क भी जा सकते थे परंतु हम जा रहे हैं मार्केट, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है ओंकार ने यहाँ पे 4 गेड़े मार के बोलना मुक्ति घर चलते हैं। मेरे साथ होता है यार, मैं हाँ। पार्क के 4 राउंड लगाऊ ना हाँ, मेरा हाँ, हो जाएगा हाँ। डन। और अगर मुझे टास्क दिया जाएगा वहाँ तक जाना है और फिर जितनी मर्जी दूर तक भेज दो वो पता है कि हाँ कुछ अलग है, एक ही चीज रिपीट करनी मेरे लिए बहुत कुत्ते घूम रहे डंडा ले लो, मेरे को डर लगता है मुझे ये कीचड़ की टेंशन पड़ी है। अरे नहीं यार आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, डंडा टुंडा पकड़ लो प्लीज। प्यारे होते, अरे मेरे को काटा हुआ डॉगी ने, वो भी तेरा पालतू था। अरे यार नहीं था पालतू, कितनी बार बताऊं तुम्हें मैं, डंडा पकड़ ओंकार प्लीज ओंकार ओंकार ओंकार, वो डॉगी ओंकार इधर आओ तू यार, मुझे डर लगता है, डंडा पकड़ लो प्लीज। नहीं मुझे ओंकार, ये देखो मुझे देख रहा है ये ओंकार, वो तुम इकट्ठे क्यों कर रहे हो डॉगी ओंकार ओंकार। कुछ करता तुमने सीटी क्यों मारी उसको, जितना डरेगी उतना वो डराएगा। भैया अदरक है 4 रुपए किलो। सब्जियां तो हमने ले लिया, तो मैंने कहा थोड़े से हम मसाले भी ले लें सब्जियों को स्वाद बनाने के लिए। ओंकार मैंने भी नोटिस किया कि मेरी पूंछ उठी हुई है यहाँ पे, तो अच्छी लग रही है। तो घर आते हम टूट पड़े हैं मौसमी 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 क्या बोलते हैं मौसमी 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 पे। आज तक पता नहीं चला मुसम्मी हाँ। कीनू संतरे का मुझे पता है हाँ। बट मुसम्मी और कीनू में क्या डिफरेंस होता है तुझे कलर पता है? का डिफरेंस होता है, ये हरे रंग का होता है, वो शायद बाहर से ऑरेंज कलर का होता है। फुल और फुल नंबर, मतलब सच्ची में कभी ऐसे ना दोनों इकट्ठे रख के देखे नहीं कि फर्क क्या है, पर वो करना चाहिए यार हमको। और वैसे ना रात को मेरा मौसमी खाने का कोई तुक नहीं बनता है, बट फिर भी हम खा रहे हैं क्योंकि हमें रास्ते में दिखती है, हमने सोचा खा लेते हैं। किसी भी बात का तुक बना है हमारी, हम यहाँ पे तुक बंदी थोड़ी करते हैं। मैं ना यहाँ पे किचन में आज डिनर की तैयारी कर रहा हूँ, और जो मुक्ति है ना भाई साहब उसने अपना पूरा दीनमान ही चेंज कर दिया हुआ है। पहले देखती होती थी अनुपमा, और आजकल मैडम क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो यार, नाटक का नाम पता नहीं देखती तक। अच्छा पाकिस्तानी नाटक देखने शुरू कर दिए हुए मैडम ने, बहुत ही बढ़िया मतलब ना बड़ा क्यूट सा। और मतलब मैंने सोचा एक छोटी सी अपडेट आपको बता दी, अनुवार्य है यही था, एक था चाहता
एक था चांद। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मतलब अनुपमा को डिच कर दिया मुक्ति ने अब। आई डोंट नो हाउ बट थोड़ी सी शर्म आ चुकी है मोहतरमा को अपने होने वाले पति को काम करते हुए देख के। कैसे ऐसे बोलो, प्याज काटना नहीं आता है। मैंने कभी बनाई नहीं है, मतलब मैंने पनीर की भुर्जी बनाई है। अरे नहीं यार, वो देसी घी है ना, तो देसी घी की झाग बन रही है। अच्छा, सोडे वाला था ये। आज हमारे डिनर में बन रही है अंडे की भुर्जी। और मुक्ति, तेरे घर से क्या आ रहा है? मुझे नाम समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं याद आ रहा मम्मी ने क्या कौन सी सब्जी बोली थी। कुछ ऐसा बोला जिसके एंड में दादा कटाल कटाल पर क्या बोला? कटहल तो नहीं था, कटहल नहीं था, कटहल नहीं था, कुछ और ही था। जब वो आएगा तब आपको दिखाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये काम मुझसे नहीं होता है। हाँ। बाकी सब करवा लो। तो फिर मैंने सोचा कि काटने की वो बनाई देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा, मुझे स्वाद। अब मैं बना रही हूँ, मुझे स्वाद खाना खाना है। स्वाद बनाऊंगी, भरोसा रखो मेरे पे। पर सर भुर्जी के लिए ना प्रॉपर तड़के के तरीके के हिसाब से प्याज भी करने। ये परफेक्टली डन है, आप इसके अंदर अंडा डाल सकते हो। अंडा, अंडा टमाटर तो डालने, वो बाद में भी डाल सकते हो। नहीं नहीं, टमाटर पहले डालूंगी। डाल दे मुझे। तुम खड़े क्यों किचन में? जाओ, मैं बना लूंगी खुद। वीडियो बनाने के लिए सच्चाई। सच्चाई तो यही है, आप जाओ यहाँ से, बना के दे दूंगी, बढ़िया से बनाऊंगी, टेंशन ना लो। आज मैंने पहली बार लाइफ में अंडे की भुर्जी बनाई है। आई होप कि ओंकार को अच्छी लगे। ओंकार तो सामने खड़ा, ठीक है ना? हाँ, मतलब वही होप, ओंकार को अच्छी लगे, तुम्हें अच्छी लगे। सच्ची बोलूं, मतलब अभी तक खुलिया इसका भुर्जी वाला नहीं है। नहीं, ऐसे कस्टर्ड बनाया है। और सॉलिडिफाई होगा। हाँ, ये और सॉलिडिफाई होगा, गैस पे रहने दे। और इसमें से मारते रहना। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं हलवा बना रही हूँ। सच में वो फीलिंग वैसी, क्योंकि हलवे को भी बहुत ऐसे प्रॉपरली हिलाना पड़ता है। अभी इसमें देखा जाए ना, मॉइस्चर है। हाँ, तो ये मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा ऐसे चिपका चिपका। बाहर दरवाजा खटका, आधी आ गया। क्या लगे लगी है? कुछ भी नहीं, हम तो हमारे लिए लेके खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस यही बोल रहा था। मेरी बहन से काम करवा रहे हो? ये तेरी बहन से करछियां मारने जो की है और सब्जियां काटने जोगी। बचा क्या? कोई बात, बाकी तो मैंने किया है। कुछ तो करती है। वो क्या होता है? ये तो उतना भी नहीं करती। वरना ये भी आपको करना पड़ेगा। अंडे की भुर्जी अच्छी लगती है तुझे? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार। दो चीजों से सख्त नफरत है, नफरत है। नफरत अंडा और पनीर। आंचल मतलब देख, वेजिटेरियंस के बाद क्या ऑप्शन होती है? एक पनीर, वो भी ये नहीं खाती। और एक एगिटेरियन के लिए अंडा, वो भी ये नहीं खाती। क्या तेरा मौजूद क्या है? ये शुद्ध शुद्ध मांसाहारी है ये। शुद्ध तेरी नॉनवेज लाना है तो मुर्गा लाओ या फिर बकरा लाओ, उससे नीचे मतलब उसको लोगों के भी दिमाग खाने बहुत पसंद है। छोटी छोटी चीजें नहीं पसंद, छोटी बड़े हाथ मारती है, बड़ी बड़ी चीजें। भाई साहब, ये जो लड़की है ना, पूरी जनानी बन चुकी हुई है। आते ही डिस्कशन पता है क्या हो रही है? सीरियल डिस्कशन ये हो रही है कि उस सीरियल में क्या हुआ और उस सीरियल में आगे क्या होएगा। दीदी को अपडेट दे दू ना, दीदी देख नहीं पाती, काम करते और मैं फ्री होते सब देख लेती हूँ। उसको पता नहीं है यहाँ पे सीरियल देख रही थी ये। अरे यार बंद करो, वहाँ पे कुछ भी नहीं देखते हम, बोलते मुक्ति दी आएगी, मुक्ति दी के साथ देखेंगे, लेकिन नहीं, ये तो बड़ा धोखा। यहाँ पे भी सीरियल की तरह अपनी गर्दन फोड़ा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं थी दुखी कर दिया आपने। मुझे भूख लग रही है, कार खाना खा के डाल दूं? हाँ दे दो, अभी डाल दो। गाइस, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत ही ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट। अगर आप चाहते हो आंचल के साथ 24 आवर पंजाबी स्पीकिंग वाली वीडियो बनाए, आंचल पंजाबी बोलेगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरी पंजाबी बहुत ही वादिया हो गई है। तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 40,000 लाइक्स का। मतलब ना, लाइक ठोक दो, दोस्तों का शेयर कर दो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो। मतलब फिर कल पंजाबी वाली वीडियो फाइनली आने वाली है और मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब इसकी शक्ल से भी ज्यादा फनी वीडियो होगी। पोली शक्ल हैगी, पोली 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 नहीं हैगी, पोली शक्ल हैगी है। फर्क पता है क्यों होता है? एक पोली होती है वो पॉन्ड स्क्रीन वाली, जिसको गुगली बुगली बुश, वो पोली होता है। भोली भोली बंजारन। ऐसी सब्जी है तरी वाली, गदाल की सब्जी, फाइनली जाके सॉर्ट हो गया। डिनर हमने कर लिया और अब टाइम आ चुका है फूडी वीक के डिस्कशन करने का। तो आदित्य ओंकार आ जाओ फटाफट, काम करते हैं शुरू। ओ गुरु, करते हैं काम शुरू। इसी बात पे ठोको ताली। वाह 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 वाह, फटाफट आ जाओ सच्ची में।
और आंचल ने ना यहाँ पे थर्ड क्लास से मूवी लगाई है, देख के ना मतलब आजकल की मूवीज में थोड़ा सा लॉजिक तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल सी नहीं है। ऐसी मूवी लग रही है कि एक तो नाम ही इतना गंदा है, हम दो हमारे दो। मतलब मुझे पता क्या लग रहा है, ये आज से 15 साल पहले किसी ने लिखी होगी और बंदे को प्रोड्यूसर नहीं मिला, अब जाके मिला है तो बना दी। कई लोगों को अच्छी लगी होगी, ऐसे मत बोलो यार। फिर मुझे ठीक है, हाँ ठीक है, पर्सनल ओपिनियन है। मूवी कौन लॉजिक के लिए देखता है, अपने फन के लिए देखता है? मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है, फन नहीं आ रहा हमें तो। फन आना भी चाहिए, फन आएंगे साहब लाना पड़ेगा, मैं फन फन आ रहा है तू इधर तो आ नहीं रहा। सच्ची में फिर तो ऐसा अफसोस होता कि पॉपकॉर्न के भी पैसे लगा दिए, थिएटर में भी पैसे लगा दिए। इसी के साथ मैं कर रही हूं वीडियो को समाप्त, अब मैं आपको मिलूंगी कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गुड नाइट, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और अब टाइम आ चुका है, और वीडियो भी तो एडिट करनी है मेरे को, ओह माय गॉड।